तीन बच्ची को नई जिंदगी देने वाले विनीत राय को डीआईजी विवेकानंद ने किया सम्मानित। बीते दिनों कहलगांव स्थित गंगा घाट में चार बच्ची स्नान कर रही थी, अचानक गहरे पानी में जाने से डूबने लगी। तभी विनीत राय ने उन्हें देख लिया और अपनी जान को जोखिम में डालकर तीन बच्ची को बचा लिया, जबकि एक बच्ची गंगा में डूब गई। जोखिम भरा कार्य करते हुए साहस का परिचय देते हुए विनीत ने जो कार्य किया उसके लिए भागलपुर के प्रक्षेत्र डीआईजी विवेकानंद ने उसे अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं फरिश्ता सम्मान सर्टिफिकेट देकर हौसले को बुलंद किया। आपको बता दें कि विनीत राय ने तीन बच्चों को नई जिंदगी दी, जिसको लेकर परिवार वालों ने भी विनीत राय का आभार व्यक्त किया। वहीं भागलपुर प्रक्षेत्र डीआईजी विवेकानंद से सम्मानित हो रहे विवेक भावुक हो गए। विनीत राय ने भी लोगों को सलाह दी कि अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आप भी ऐसा ही करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया। वहीं उन्होंने कहा कि जब तीन जिंदगियां जा रही थी तब मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान से ज्यादा जरूरी उनकी जान को समझा। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने भी बताया कि ये अति महत्वपूर्ण काम है और उन्होंने विनीत को धन्यवाद भी दिया। सर, हम उस समय स्नान कर रहे थे वहाँ पर और तीन बच्चियाँ, एक बच्ची पहले से डूब रही थी, उसको बचाने के चक्कर में तीनों बच्चियाँ गई अंदर और तीनों डूबने लगी, चारों मिलकर डूबने लगा। तीन को बचा पाए, एक को नहीं बचा पाए। किसको पहले बचाए? और लोगों को, तीनों को बचाए। यही संदेश देना है कि जिस समय ऐसा हो तो अगर आपसे बन पड़े तो उसको बचाएं। आपको डर नहीं लगा? डर तो लगा सर, फिर भी चार चार जा रहे हैं एक आत्मा के सामने, तो फिर सम्मानित हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। क्या नाम है? विनीत राय। यह अत्यंत ही साहसपूर्ण काम है और विनीत कुमार राय ने एक पूरे समाज के लिए और पूरे भागलपुर जिला के लिए एक मिसाल पेश किया है कि कैसे खतरे पर खतरा, स्वयं खतरा झेल करके दूसरों की जान बचाने के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है और इस तरह का हिम्मत कम लोगों में होता है। सर, क्या 15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पर ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो जीवन जागृति सोसाइटी ने जो इन्हें सम्मानित करने का काम किया है वह अत्यंत सराहनीय है और इस तरह के काम को बढ़ावा मिलना चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए। और पहचान सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, नेशनल स्तर पर पुरस्कृत करने की आवश्यकता है और इनका प्रस्ताव सभी जगह जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि 15 अगस्त को भी इन्हें सम्मानित किया जाए। ठीक, थैंक यू सर।